हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ममता गर्ब्याल व्लॉग। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आई हूँ कल्पना के घर पे, उसका होम टूर कराती हूँ आप लोग को। बहुत सुंदर अच्छे से सजा रखा है, तो चलिए फिर आप लोग भी वीडियो आगे इंजॉय करिए। ये कल्पना का घर, ये ड्राइंग रूम, ये सब बड़ा है ना। वो बालकनी था ना पहले, वो बालकनी था पहले, पूरा ड्राइंग रूम इतना बड़ा हो गया। और ये टीवी का, ये भी अच्छा लग रहा है, देखना सुंदर लग रहा है भैया, सजा रखा है बिल्कुल हर एक कोना कल्पना ने। और ये एक बेडरूम, ये वो है क्या? नहीं, वो वाला नया बेडरूम निकला जो बालकनी वाला था। अरे वाह यार, किसका बेडरूम है ये? ये गेस्ट गेस्ट रूम, बढ़िया, देखना बहुत सुंदर बना रखा है। ये गेस्ट रूम देखना, मैडम के पर्दे वर्दे भी देखो, बिल्कुल अच्छा। ये बालकनी है, ये देखो ये बालकनी, और बालकनी में भी जो है झूले लगा रखे हैं भाई, हैं काना मम्मा ने तो सुंदर बना रखा है घर। और ये ऐसे सिटिंग एरिया बना रखा है, ये यहाँ से देख सकते हो। ज़्यादा मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी कहाँ रहती है क्या रहती है। ये सामने का व्यू है उसका, सिक्योरिटी के पर्पज़ से है ना, नहीं बता सकते हैं ज़्यादा। ये बालकनी है, बालकनी में भी कैमरा लगा रखा है। हाँ पहले ओपन था ना। हाँ हाँ, ये बढ़िया ने अच्छा कर रखा है, प्लांट भी लगा दिए रे। ये कबर्ड भी अच्छा लग रहा है, ये देखो फ्रेम भी सुंदर, सब कुछ बढ़िया। ये रूम, ये ड्राइंग रूम, उसके बाद ये इसका है, ये डाइनिंग टेबल, ये देखें, यहाँ से दिखाती हूँ मैं। ये इसका डाइनिंग रूम, और ये डाइनिंग का भी है देखो, इसने ये सुंदर, बहुत सुंदर बना रखा है। कोई भी नहीं आया। और ये डाइनिंग टेबल, मेरे को लग रहा था मैंने कोई आएगी। और ये मंदिर, जय हो भगवान जी, मंदिर भी बहुत सुंदर बना रखा है। ये इधर सिटिंग एरिया, ये पीछे वाला बालकनी था ना कल्पना, ये पीछे बालकनी था, इसने पूरा कवर कर दिया है ना। और ये यहाँ से ऊपर, इसका एक्चुअली टॉप फ्लोर है ना, टॉप फ्लोर है तो ऊपर भी है इसका एक रूम। और देखो किचन, हाँ अभी दिखाती हूँ, किचन दिखाती हूँ। ये किचन है इसका, किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन भैया। कल्पना तो साफ सुथरी की वो है, बिल्कुल बहुत सुंदर बना रखा है। नहीं, बढ़िया, देखो बढ़िया बना रखा है। ये क्या रखने का? ये जीटीपीटी था पर मैं ऐसे, नहीं नहीं अच्छा है, कलर भी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये सब वो होगा ना, ये ओटीजी है, हाँ ये पेंट्री है। अच्छा हाँ, ये भी देखो, ये देखो, ये लाइट वाइट का सब कर रखा है इसने, देखो किसी को आइडिया लेना हो तो ऐसे ले सकते हो। देखो बहुत सुंदर बढ़िया बना है ना गाना। ये कल्पना का बेटा है, ये फिफ्थ क्लास में गया ना, टिया के साथ का है। और वो बेटे का, बच्चों का रूम किधर है? दिखा दो अपना रूम, दिखा दो। वाह, ये काना के रूम में तो बाप रे क्या है, है? मैंने मम्मी को आइडिया दिया था कि मम्मी ऐसे कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ बढ़िया, देखना अच्छा इसका कलर भी, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ। हाँ वही पहले बंक बेड था ना, एक्चुअली दोनों कोई भी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा था दीदी उस पर। हाँ मैं वही पता, मैं बोल रही थी इसका बंक बेड है, मैं वो कर कैंसिल कर दिया। नहीं नहीं ठीक है, नहीं बोले कैंसिल किया, बना था पूरा रहा 2-3 महीने, बच्चे चढ़ ही नहीं रहे। नहीं नहीं देखो बढ़िया है, बेड शीट भी मैडम ने बिल्कुल इससे मैच करता हुआ लगा रखा है सब कुछ। और ये बच्चों के बुक्स वगैरह, दोनों बच्चे पढ़ने में बिल्कुल टॉप है ना। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वो देव तो बढ़िया, मम्मी झूठ बोल रही है, एकदम अच्छा पढ़ाई करते हैं। हाँ नहीं नहीं मालूम है अच्छा पढ़ते हैं, बढ़िया कर रखा है। ये देखो स्टडी टेबल, फैन भी लगा हुआ है, एसी भी लगा, अगर फैन जरूरत हो। दो बेटे है ना इसके, एक्चुअली दो बेटे हैं तो दो चेयर लगे हुए, ये है ना। अच्छा ये दो लगा दिए, पुनः एक। अच्छा हाँ हाँ ये वो है ना,
ड्रेसिंग। अरे वाह, हटना जरा कल्पना, इधर आ तो। ये ड्रेसिंग एरिया बना दिया, जगह बढ़िया। और ये इसका बाथरूम, ये आप लोग का है ना, ये वॉशरूम और बाथरूम पूरा वो ग्लास लगा के कर रखा है। ये कल्पना का ये झूमर बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक बेडरूम, ये बच्चों का रूम, ये किचन और ये एक गेस्ट रूम। ये मम्मी का है तो नहीं कोई अंदर? हाँ, बस बस ज्यादा लाइट मत जला। ये है कल्पना का बेडरूम। बाप रे, ये देखो मेन इसका ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कल्पना का। सारे रूम में जो है इसने, मम्मी नहीं बिल्कुल है, क्या डिजाइन, ये समझ में नहीं आया। नहीं, बहुत सुंदर बना रखा तेरी मम्मी ने। ये टीवी कैबिनेट हो गया, मैं घर में एक हो गया कह रहा है। ये पूरा टीवी कैबिनेट बना रखा है। और ये तेरा यार ड्रेसिंग एरिया बड़ा सुंदर लग रहा है कल्पना। ये देखो मैडम के, नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये लाइट जलता होगा ना इधर। ये नहीं अच्छा लग रहा है। पर्दा भी देखो, पर्दे के ऊपर भी लाइट्स लगा रखा है कल्पना ने, सुंदर सा बना रखा है, बढ़िया। पर्दे भी बड़े सुंदर लग रहे हैं यार कल्पना, पर्दे अच्छे लग रहे हैं। ये डीडेकोर के अच्छे है ना। और ये कान्हा, ये देखो बढ़िया निकाल रखा है पूरा। ये बेडरूम बड़ा है, मतलब ये देखो डबल बेड लगा के भी इतना स्पेस पर बच रहा है। मम्मी ने थोड़ा ज्यादा मम्मी को स्ट्रेच करवाना था। हाँ, ये अरे वाह, ये देखो भैया कल्पना के ड्रेस, ये कैसे बिल्कुल जर्र करके ये पूरा ग्लास के सेंस है, जैसे ये चुन्नीस का है। हाँ, ये पैंट्स का है। अच्छा, दुपट्टा। अच्छा, ये खोलते ही लाइट जलने का ना। हाँ, देखना साड़ियाँ सारे इसके, तो ये राजस्थानी है तो इसके पास तो कलेक्शन भरमार है। बढ़िया, बहुत सुंदर बना रखा है। ये वाली तो मैंने भी तो ली, तुझसे वाली मेरे पास भी आई कलर कोटा डोरिया, सारे कोटा डोरिया के कपड़े ना हर रूम के अंदर। हाँ, तेरी मम्मी है ही हीरोइन यार, देखो कलरफुल दुपट्टे अच्छा लग रहा है। हाँ वही ना, अभी होली में डालेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। ये देखो, और ये क्या है, पैक साड़ीज हैं, ये भी सूट सारे देखना पैक करके रखे हुए। उधर वेस्टर्न है पूरा, उधर उधर वेस्टर्न है, इसके उधर वेस्टर्न है और यहाँ पे इंडियन, सही है। चलो भैया और चलते आगे। ये देखो, और ये इसके बेडरूम के बाहर ही जो इसने ना, हाँ यहाँ पे वॉश बेसिन का बना रखा है, चुन चुन के लगा रखा है कल्पना ने। और वो मैं, ये सुंदर, ये भी अच्छा लग रहा है इस बाथरूम के। अच्छा, आजकल यही वाले चले हैं ना इस बाथरूम के अंदर। मम्मी हमें कभी नहाने नहीं देती। क्यों भाई, ये देखो बढ़िया। और पानी कैसे है, ये देखो, अरे वाह सुंदर, अच्छा कर रखा है, हर चीज चुन चुन के लगा है ना। हाँ, छोटा सा बाथरूम था ना ये, बढ़िया हो गया। ये तो वही वाला है, तो मेन वाला जो सीधे जो ड्राइंग रूम के सामने जाता था ना। हाँ, क्योंकि सेम इस सेट में हम लोग भी पहले इधर इधर ही रेंट पे रहते थे ना, तो बिल्कुल चेंज मतलब लग ही नहीं रहा है। एक बेडरूम ये है, ये वाला तो देखा ना, ये कर लिया था ना। हाँ, ये वाला देख लिया। नहीं, कौन सा? अच्छा, एक जो ड्राइंग रूम के बगल में था ना वो गेस्ट रूम। अच्छा, ये एक और रूम है। नीचे कितने बेडरूम हो गए तेरे? चार बेडरूम। ओह माय गॉड, ये देख रहे हो हर जगह कलर कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल। वहां उसके बेडरूम में था एक्वा कलर ना वो। हाँ, ये थोड़ा ग्रे में है, अच्छा लग रहा है। और कहाँ से लेके आई ये इतने सुंदर सुंदर कुशन कवर है? जयपुर से लाई होगी तू? नहीं, ये तो चांदनी चौक का है। चांदनी चौक, ए बत्तर चांदनी चौक, हम लोग बढ़िया लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, ये देखिए सारा बिल्कुल सेटिंग जो है। ये एक कबर्ड। अच्छा, ये भैया का छूना नहीं। और ये लाइट्स भी देखो,
देख सकते हैं आप लोग, अगर किसी को आइडिया लेना है देखो बिल्कुल यूनिक, मतलब मैं तो जो भी देख रही हूँ सारे यूनिक है। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया है, कर्टेंस भी अच्छे लगे हैं देखे, मस्त। और ये एक बालकनी है ना, अच्छा हाँ हाँ वही है, लेकिन ये पूरा डिटेचेबल ओपन हो जाता है पूरा कंप्लीट, जैसे एज ए लॉबी टाइप लॉबी। हाँ ये वही था जो अभी मैं गेस्ट रूम से बाहर आए ना, वो वही ओपन हो जाता है वहां तक ट्रैक। अरे बाबरी, यहाँ क्या करना है, बेड का डिजाइन। ये डिजाइन देखो बेड का, लाइट्स लगा, अच्छा यार बढ़िया। ये भी गेस्ट रूम ही जैसा होता होगा तेरा तो, है ना? ये पर्सनल रूम है। नहीं नहीं मजा आ गया यार। मैं नहीं, जब तेरा काम चल रहा था ना पूजा के टाइम में आई थी, जब पूरा सेट होने के बाद में आई नहीं, है ना? नहीं आप नहीं आए उसके बाद। हाँ मैं नहीं आई थी। तो ये इसका किचन है, ये वाला किचन, किचन से ही इसका टॉप फ्लोर है, तो इसने यहाँ से रास्ता निकाल रखा है, देखिए यहाँ से सीढ़ी बना रखा है, और सीढ़ी का भी पूरा यूज कर रखा है भाई कल्पना। ये मशीन है ये, अच्छा ये वॉशिंग एरिया है। हाँ, ये मशीन ओ गुड यार, देखो यहाँ शू रैक है, ये न्यूज़पेपर की स्टोरेज है, अच्छा गीजर लगा रखा है, ठीक है, बैग्स वगैरह है ये, और ये इन्वर्टर है, सब इन्वर्टर ना। हाँ ठीक है बढ़िया, चल तू आ जा। ये सारी मेरे पास भी सेम कोटा डोरिया है। और ये हाँ चलो चलो चलो, और ये देखो ये स्टेयर ऊपर भी देखो झूमर लगा है, सुंदर सा पेंटिंग। ये डाइनिंग का छोटा बच्चा, डाइनिंग का छोटा बच्चा है, डाइनिंग के झूमर का छोटा। आए हाय आंटी थक गई है। तो ये इसका टॉप फ्लोर है, ये देखिए ये इसने ऐसे लगा रखा है झूमर, और यहाँ भी सिटिंग एरिया। ओ माय गॉड, यहाँ तो खतरनाक वाला है। ये तो बंदूक भी रखी है, कहना तूने है, ये देखो सुंदर लग रहा है, अरे है ना, ये देखो। अब ये तो मैं क्या दिखाऊं, ये नहीं दिखा रही हूँ, इसका रेनोवेशन नहीं हुआ था ये वाला, ये तब भी था ये वाला। हाँ तो इसको ऊपर रखवा दिया हमने, और ये पूरा उजाला बढ़िया हो रहा है बेटा। और यहाँ कौन है, इसको ऐसे यहाँ किराएदार रहता है ना। हाँ तो इसने ये क्या कर रखा ना, इतना पोर्शन जो है ये देखो, ये सीढ़ी से आते इतना पोर्शन अपना रखा है। वो क्या है, टॉयलेट बाथरूम, ये एक और वो वाला, ये टॉयलेट, ये किराएदार लोग का है, किराएदार लोग का हमारा ही है। अच्छा वो लोग यूज नहीं करते ना। अच्छा तो यहाँ इसमें बगल में इसने रेंट दे रखा है, उनका पीछे भी एक बाल मतलब बड़ा सा है स्पेस छत का ना, तो यहाँ एक फैमिली रहती है ना। हाँ तो बस ये था इसका होम टूर। और ये नीचे जाने का सीढ़ी, सीढ़ी भी बढ़िया बना रखा है इसने, मतलब नहीं तो यूजुअली क्या होता है ना टॉप फ्लोर में जब होता है तो सीढ़ी का जड़ा ऐसे तिरछा सा नहीं लगता है। और ये एक और स्पेस, ये क्या है, ये थोड़ा सा स्टोर रूम, देखो हर एक जगह इसने कवर कर रखा है। और ये किचन का दिख रहा है मस्त, और ये देखो मंदिर भी बहुत सुंदर बना रखा है। तो ये था कल्पना का पूरा होम टूर। तो ये था होम टूर, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना? और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल्पना का घर कैसा लगा, उसका नए नए चीज़ आप लोग को देखने को मिला होगा, आइडियाज़ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी बात हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय।